गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता मलोड़ा, फोर क्लास नर्सरी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप गौतम पढ़ चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चौक। आज आपने चौक पढ़ना है, ध्यान से देखना है, वैसे लिखेंगे जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके, ये लाइन है, इसमें आपने पहले लाइन खींचनी है, फिर जस्ट इसी के बगल में आपने ऐसी एक छोटी सी लाइन बनानी है। अपने पेंसिल को इससे ऐसे टच करना है, हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करनी है और नीचे की तरफ लाइन खींचनी है। तो आपका ये बना चौक। क्या है चौक? फिर यहाँ पे भी आपने लाइन खींचनी है, फिर लाइन खींचनी है, इसी को आपने अपने पेंसिल को यूं टच करके ऐसे हल्का सा नीचे की तरफ मूव करना है और एक लाइन खींचनी है। तो ये आपका बना चौक। फिर यहाँ पे भी आपने ऐसी ही लाइन खींचनी है और आपने यहाँ पे बनाना है चौक। क्या है ये चौक? फिर जैसे आपने ये लिखा है वैसे आपने इनके नीचे भी ऐसे ही चौक बनाना है। पहले आपने लाइन खींचनी है, फिर वैसे वैसे लिखेंगे और मुंह से बोलते रहेंगे। ओके, क्या है चौक? पहले लाइन खींचनी है, फिर दूसरी छोटी सी लाइन खींचनी है, इसी में सर्कल करके फिर नीचे की तरफ लाइन खींचना है और आपका बना चौक। क्या है ये चौक? आप वैसे से लिखेंगे और वैसे वैसे मुंह से उच्चारण करते रहेंगे। आपने अपने पेंसिल को इस तरह से घुमाना है, फिर नीचे की तरफ लाइन खींचनी है, ये आपका बना चौक। फिर लाइन खींचना है, फिर थोड़ा सा इसको गैप करके हल्की सी ऐसी लाइन बनानी है और इसी में आपने अपने पेंसिल को यूं राउंड करके नीचे की तरफ लाइन खींचनी है। तो ये आपका बना चौक। क्या है चौक? यहाँ पे भी आपने बनाया चौक। क्या बनाया चौक? इस तरह से आपने अपना रेक्टेंगल करना है और उसके बाद आपने ये देखा है नीचे जो पिक्चर चित्र बना है वो है चम्मच का। किसका चित्र है? चम्मच। चम्मच से क्या करते हैं आप लोग? खाना खाते हैं, खाते हैं ना घर में चम्मच से। तो आपने ये पहले लिखा, फिर पिक्चर बनाई और उसके बाद आपने इसको पढ़ना है, लर्न करना है। जैसे ऐसे अपनी फिंगर को चौ से आप टच करेंगे और तब पढ़ेंगे चौ 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 चौ। इस तरह से आप इन अक्षरों को पहचानेंगे और पढ़ेंगे, फिर आप पिक्चर को टच करेंगे और अक्षर को टच करेंगे। चौ से चम्मच, 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 चौ से चम्मच। इस तरह से आप इसको कम से कम 5 टाइम पे लर्न करेंगे ताकि आपको अक्षर की पहचान भी हो जाए और पिक्चर की, क्योंकि चौ से क्या होता है? चम्मच होता है। और सुंदर हैंडराइटिंग में अपने घर में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।